हेलो फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन में मैं आज आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, न कि आप लोगों से बल्कि उन लोगों से भी जो ये कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन में जो भी स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं वो अपने बेनिफिट के लिए करवा रहे हैं। मैं एक टीचर हूँ और साथ ही साथ एक स्कूल का प्रिंसिपल भी हूँ। मैं उन गार्जियन और पेरेंट्स से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ये मुझे बताएं कि जो आज आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस स्कूल्स इसलिए चला रहे हैं क्योंकि वो अपना स्कूल का फी कलेक्शन करना चाहते हैं, तो आप ये बताइए कि स्कूल जो इन दौरान में चलेंगे, लॉकडाउन में जो अभी डाउन है, लेकिन स्कूल के टीचर्स, एम्प्लॉय, स्टाफ जितने भी हैं सबको पेमेंट तो हमारी जा रही है। आपको क्या लगता है कि स्कूल का पेमेंट्स जो इन स्टाफ्स को जाता है वो कैसे होगा? अगर कल को आप पेमेंट करना बंद कर देंगे, आप भी किसी नौकरी में होंगे। अगर आपको सरकार बंद कर दे, बोल दे कि भाई आप तो लॉकडाउन में इस ऑफिस आए नहीं, बंद कर देते हैं उनको पेमेंट, आपको पेमेंट सही रहेगा? वो आज देश दुनिया में, विदेशों में, हर जगह ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, पहले से भी चलती हैं, आप लोगों ने भी की हैं, बहुत लोगों ने घर बैठे डिस्टेंस लर्निंग किया ना, बीएड किया, ग्रेजुएशन किया, एमए किया, सब कुछ किया, यहां तक कि पीएचडी तक कर रहे हैं और डॉक्टरेट की डिग्री ले रहे हैं। तो भाई वो भी तो कहीं ना कहीं से कोचिंग ले रहे हैं ना, चाहे वो ऑनलाइन किसी की वीडियोस देख रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि सर, आप अगर स्कूल का पेमेंट नहीं करोगे और अगर ये स्थिति कंटिन्यू ही रही तो आप तो बच्चे को नहीं पढ़ाओगे। उन टीचर्स को जो आप कह रहे हैं कि अभी ऑनलाइन क्लासेस इफेक्टिव नहीं है और रियल क्लासेस इफेक्टिव है, तो टीचर्स तो ऑनलाइन होके भी तो इफेक्टिव कर रहे हैं ना। इफेक्टिवनेस आपकी सतर्कता पर निर्भर करता है, आप कितने मोटिवेटेड होकर के, कितने पैशनेट होकर के आप अपने बच्चों को कंसर्न के साथ बोले कि बेटा तुम्हारे टीचर ऑनलाइन है, जरा उनसे कुछ पढ़ लो। लेकिन नहीं, आप कहते हैं कि स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रही है तो हमें फीस पे करना होगा। तो भाई क्यों नहीं कीजिएगा फी पे? स्कूल्स अगर अपने इनिशिएटिव्स लेकर के, अपनी क्रिएटिविटी लेकर के, एक्सरसाइज की पीडीएफ, होमवर्क्स सभी कुछ आपको प्रोवाइड कर रही है, तो आप स्कूल का फी क्यों नहीं पे कर रहे हैं या क्यों करना नहीं चाहते हैं? सर आप ये भूल रहे हैं कि आज आप जिन टीचरों को, आप स्कूल को पे नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के कारण, कल को आप उन्हीं टीचर्स के पास वापस अपने बच्चों को भेजेंगे, हायर स्कूल्स में भेज दीजिएगा। क्यों? हायर स्कूल्स में टेक्नोलॉजी नहीं होती है? आज आपके डेट में मैं किसी संस्था की बुराई नहीं कर रहा हूं, जैसे बायजूज आते हैं, वेदांतु आते हैं और भी आती हैं, यहाँ तक गवर्नमेंट ने भी डीडी नेशनल चैनल पे ऑनलाइन 9th और 10th की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। तो गवर्नमेंट क्या आपको पेमेंट के लिए नहीं कर रही है ना? लेकिन क्या करिए कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए और उन्हें मोटिवेट कीजिए कि वो ऑनलाइन क्लासेस लें। मेरा बच्चों के स्कूल का फी नहीं जमा कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने स्कूल्स का फी क्लियर करिए, उन स्कूलों की जो ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपके ऊपर है, आपके अंदर करना चाहे तो आप कीजिए, नहीं करना चाहे तो वो आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम ये रिक्वेस्ट है कि जो स्कूल अपने कंसर्न के साथ, अपना जिम्मेदारी के साथ वो आपके बच्चों के लिए इनिशिएटिव ले रहा है, उन्हें सपोर्ट कीजिए। आप डॉक्टरों को सपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बाहर जाके खड़े हैं। तो भाई टीचर्स भी तो सुबह उठते ही बच्चों के साथ बोलते हैं, हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, चलो आज हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं, तो क्या आप उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे? अब क्या, अब मैं ये नहीं कहता कि आप थाली बजा को या फिर वो ताली बजा करके, जैसे आप मोटिवेशन,
भाई उन्हें भी अपना घर चलाना है। कुछ टीचर्स बाहर से पढ़ाते हैं, कुछ जो टीचर आउट ऑफ स्टेट्स हैं वो पढ़ा रहे हैं। मैं सभी टीचर्स कम्युनिटी के लिए कंसर्न हूँ। प्लीज़ उन टीचरों की बुराई ना करें, उन्हें यह ना कहें कि सर ऑनलाइन क्लासेस, मैम ऑनलाइन क्लासेस इफेक्टिव नहीं हो पा रही है, बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा, सारा सारा दिन मोबाइल में। सर तो वो आपके ऊपर है ना, सारे स्कूल्स रूटीन टाइम टेबल सब भेज रहे हैं, आप बस उन्हें फॉलो कीजिए। आप बच्चों को ज्यादा टाइम देंगे फोन के लिए तब तो सारे क्लासेस के शेड्यूल बने हुए हैं, 1 आवर 2 आवर 3 आवर हार्डली, क्योंकि डाटा पैक भी तो लगता है, उससे ज्यादा तो नहीं। अब सारा दिन मोबाइल में 24 घंटे में 3 घंटे अगर बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस से, तो सारा दिन तो बाकी आप ही के साथ रह रहे हैं ना, और आप भी घर पे रह रहे हैं, तो वो आपको देखना है सर। टीचर अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, जब ऑनलाइन क्लासेस होते था आप सर को बताएं कि सर मेरा बच्चा जो है ये पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे रहा, टीचर सुनकर देख रेख करेंगे ना। बट वाई आर यू नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स एंड द अदर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कम्युनिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप दूसरे गार्जियंस को भी समझाएं, बच्चों को समझाएं और टीचर्स को मोटिवेट करें, स्कूल का फी पेमेंट करें। क्यों, साल भर अगर चला तो आपके नहीं पे करिएगा, आपके बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे, जो 2 में थे वो 2 में ही रह जाएंगे, 9th में थे 9th में ही रह जाएंगे, तब आप भाग भाग के जाएंगे सर प्लीज मेरा ऑनलाइन क्लास लेकर ही कंप्लीट करवा दीजिए। व्हाट अ फैक्ट, व्हाट इज ट्रू। रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज स्कूल्स के फी पे करें, क्योंकि आप पे करेंगे तो स्कूल उन टीचरों को पे करेंगे जो उनके साथ जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अगर बुरा लगे तो सॉरी, बट इट्स फैक्ट्स है। लॉकडाउन सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं। टीचर्स कम्युनिटी को मेरे दिल से एक ही बात कहूँगा, टीचर्स आप जो भी क्लास लें या जो आप ले रहे हैं, मैं जानता हूँ आप लोग अपने हिसाब से परफेक्टली ले रहे हैं, बस थोड़ा बच्चों को कुछ इनिशिएटिव्स करके दिखाएं ताकि बच्चे भी आपके क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन आ सकें, और पेरेंट्स अपने बच्चों को समय का सदुपयोग करवाइए और स्कूल का फी पे कीजिए। रिक्वेस्ट, थैंक यू। मैं सोनू कुमार सिंह, प्रिंसिपल ऑफ ओरिएंटल पब्लिक स्कूल, डूइंग जस्ट अ सिंपल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल टीचर्स कम्युनिटी, प्लीज़ पेरेंट्स पे द स्कूल फी। थैंक यू।